दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जॉन डियर 5055E का। देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस ट्रैक्टर की खासियत क्या क्या है और ये ट्रैक्टर कितने HP का है और इस ट्रैक्टर में बाकी अन्य ट्रैक्टरों से क्या क्या अलग इस ट्रैक्टर में दिया गया है। फ्रंट टायर देखिए इसमें काफ़ी लंबा दिया गया है, 6/50/20 का इसमें टायर दिया गया है फ्रंट टायर। जॉन डियर ने काफ़ी अच्छा इस ट्रैक्टर की डिज़ाइन भी की है। ये देखिए जॉन डियर 5055E का ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर 55 HP का है और देखिए फ्रंट में बम्पर काफ़ी हैवी भी दिया गया है। और इसके एयर फिल्टर की बात की जाए तो ड्राई टाइप एयर फिल्टर इसमें आपको मिलता है डुअल एलिमेंट के साथ में। और ये देखिए रेडी वाटर काफ़ी अच्छा दिया गया है और फ्रंट में देखिए बैटरी बॉक्स भी दिया गया है जो कि बोनट के अंदर बैटरी सेफ रहती है, चोरी होने का डर नहीं रहता है। इस ट्रैक्टर में देखिए टर्बो इंजन भी दिया गया है जो कि ट्रैक्टर को पिकअप बनाने में जल्दी मदद करता है, जो कि जॉन डियर कंपनी ने इस ट्रैक्टर में दी है और बाकी कंपनियों के ट्रैक्टर में टर्बो इंजन नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटर दिया गया है और यहाँ पे देखिए पंप दिया गया है, हाइड्रोलिक के लिए अलग पाइप गई है और पावर स्टीयरिंग के लिए अलग पाइप। ये देखिए यहाँ पे ये पंप दिया गया है और यहाँ पे देखिए वाटर सेपरेटर भी दिया गया है साइड में और हीटिंग गार्ड देखिए यहाँ पे साइड में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे सेल्फ दिया गया है। जॉन डियर कंपनी काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग इस ट्रैक्टर की है। ये देखिए टर्बो कॉलर शिफ्ट V3 का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए ब्लेड लोहे की दी गई है जो कि रेडी वाटर को ठंडा करती है, काफ़ी अच्छा हवा देती है यह ट्रैक्टर जो कि रेडी वाटर गर्म नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 5055E का बैचिंग दिया गया है जॉन डियर लोगो के साथ में और इस ट्रैक्टर में हाइलोजन LED टाइप बल्ब भी दिया गया है और बीच में देखिए यहाँ पे जॉन डियर का लोगो भी दिया गया है। ये देखिए फ्रंट एक्सल काफ़ी अच्छा दिया गया है जो कि एडजस्टेबल के साथ में है। ये देखिए यहाँ पे साइलेंसर दिया गया है, इस ट्रैक्टर की आवाज़ काफ़ी शानदार है। हम ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। ये देखिए क्लच की बात करें तो ये सस्पेंडेड टाइप क्लच पैडल इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है। साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स भी इसमें आपको देखने को मिलता है और इस ट्रैक्टर में देखिए यहाँ पे डिजिटल मीटर भी दिया गया है जो कि इसका रेस 30 तक दिया गया है। साइड में देखिए हैंड रेस भी दिया गया है और यहाँ पे देखिए चाबी से ही डायरेक्ट चालू होता है, चाबी से डायरेक्ट बंद होता है। IL-EMS ब्रेक के साथ में ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है। ये देखिए साइड में गियर दिए गए हैं, 3 गियर आगे के हैं और 1 गियर पीछे के। और इसके लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए बॉटल रखने के लिए दिया गया है और ये देखिए यहाँ पे साइड में डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं जो कि काफ़ी आसानी रहती है साइड में है। यहाँ पे देखिए फुटरेस्ट दिया गया है। इस साइड देखिए लो हाई वाला गियर दिया गया है। यहाँ पे देखिए PTU चलाने के लिए साइड में दिया गया है जो कि किसानों को काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक दिया गया है बाइक साइड में।
और इसमें देखिए यहाँ पे स्टेयरिंग फिल्टर दिया गया है नीचे, और इसमें आपको 16 और 28 के टायर देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। ये देखिए टायर काफ़ी हैवी दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में। और यहाँ पे देखिए 540 आरपीएम पे इसका पीटीओ चलता है। बैक साइड से देखिए इसका काफ़ी अच्छा लुक है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में यह ट्रैक्टर देखिए यहाँ पे है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ट्रैक्टर अच्छा है या नहीं अच्छा है कमेंट में ज़रूर बताएं।